हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स एमएससी के एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। उसमें मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे आईआईटी जेम 2005 के क्वेश्चन सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के या किसी और ईयर का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट टी आर क्यू टू आर क्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई बी द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर क्यू। इफ देयर इज अ स्केलर सी एंड अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट, ये हमारे पास कंडीशन है, टी एक्स बराबर माइनस सी एक्स, देन रैंक ऑफ टी माइनस सी आई इज। अब ये है हमारे पास, अब ऑप्शन है कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी वन, कैन नॉट बी टू एंड कैन नॉट बी थ्री। फिर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हो या वीडियो को पोस्ट करके इसका सॉल्यूशन करके ट्राई कर सकते हो और उसके बाद वीडियो को देख सकते हो अपना आंसर मैच करने के लिए। ये है फ्रेंड्स, यहां से मैं ऑप्शन बिठा रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं वो है हमारे पास टी एक्स माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं इम्प्लाई टी माइनस सी आई एक्स इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पास, या इसको हम यहां ना लिखे, इसको सिंपली इसी तरह छोड़ दें। ये हमारे पास दिया हुआ है टी बराबर सी एक्स। अब यहां पे अगर हम देखें टी माइनस सी आई एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स माइनस सी आई एक्स। सी क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास एक्स ही हो जाएगा सी एक्स, तो ये हो गया टी एक्स माइनस सी एक्स। बट ये जो है टी माइनस टी बराबर सी एक्स दिया हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं टी एक्स माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो चुकी है, तो ये टर्म जीरो हो चुकी है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि इसकी जो रैंक है, अगर ये जीरो है तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये जो ये जीरो हो गया हमारे पास टी माइनस सी आई एक्स, इस पे कोई एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू आर क्यू है। अब ये हमारे पास जीरो आ गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है वो थ्री नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, रैंक जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री नहीं हो सकती, फोर नहीं हो सकती, फोर से ऊपर कुछ भी नहीं जा सकती। रैंक जो होगी वो थ्री, मैक्सिमम रैंक इसकी थ्री हो सकती थी, बट ये जीरो है तो इसकी इंप्लाई कर रहा है कि इसकी जो रैंक है वो थ्री नहीं हो सकती। तो जो ऑप्शन डी था कि रैंक कैन नॉट बी थ्री वो ट्रू है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।